दोस्तों अभी जो आपके सामने स्टार्टर दिख रहा है L&T कंपनी का MK1 टाइप का स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टार्टर में मोटर का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। यदि आपके पास में किसी भी कंपनी का है, किसी भी टाइप का इंडक्शन मोटर हो या समरसेबल मोटर हो, तो किस तरीके से स्टार्टर में मोटर का कनेक्शन करेंगे इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। कनेक्शन करने के बाद आपको लाइव इस मोटर को आपको चला के भी बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जो स्टार्टर दिख रहा है इसमें 3 फेज इनपुट सप्लाई देंगे, तो मैं 3 फेज ले लूंगा। ये मेरे पास 3 फेज सप्लाई है RYB, ठीक है। तो ये स्टार्टर में आप दो जगह इसको कनेक्ट कर सकते हो। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही लूप लगा हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ पे गया है, तो ये दो जगह से किसी भी एक जगह पे हम RYB दे देंगे, मतलब 3 फेज सप्लाई दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। 3 फेज सप्लाई दे दिया। अब दोस्तों हम मोटर का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो स्टार डेल्टा मोटर भी रहेगा, ठीक है। तो मोटर से 6 वायर रहेंगे इस तरीके से। देखिए ये मेरे पास 2 केबल है, एक केबल में 3 वायर है RYB और दूसरे वाले केबल में 3 वायर है RYB। तो दोस्तों कनेक्शन करने से पहले थोड़ा स्टार्टर के बारे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो कॉन्टैक्टर आपको दिख रहा है इसको मेन कॉन्टैक्टर बोलेंगे। दोस्तों ये वाला जो कॉन्टैक्टर दिख रहा है इसको डेल्टा कॉन्टैक्टर बोलेंगे, और ये वाला जो कॉन्टैक्टर है इसको स्टार कॉन्टैक्टर बोलेंगे। इस तरीके से हमारे स्टार्टर में 3 कॉन्टैक्टर है, देखिए 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से 3 कॉन्टैक्टर है। जो मेन कॉन्टैक्टर है इसमें ओवरलोड रिले लगा हुआ है, देखिए, ठीक है। इसमें एम्पियर सेटिंग कर सकते हैं, तो हमारा मोटर कितना एम्पियर ले रहा है उस हिसाब से जो ओवरलोड रिले है इसमें एम्पियर सेटिंग कर सकते हैं। तो यदि हमारा मोटर सेटिंग पॉइंट से ज़्यादा एम्पियर लेगा तो ये ओवरलोड रिले हमारे मोटर को ट्रिप कर देगा, मतलब स्टार्टर को ट्रिप कर देगा। तो आप किसी भी एक वायर को, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आप किसी भी एक केबल को हम जो मेन कॉन्टैक्टर है इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, मैंने RYB को इसमें लगा दिया, किसी भी एक केबल को इसमें से लगा देना है, ठीक है। तो मैंने एक केबल लिया, उसका RYB मेन कॉन्टैक्टर में लगा दिया, ठीक है। दोस्तों जो मैं कनेक्शन आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको कुछ नहीं देखना है कि ये W1 में कनेक्ट है, ये W2 में कनेक्ट है, ये V1 में, V2 में, ऐसा कुछ नहीं देखना है। आपको किसी भी एक केबल को किधर भी कनेक्ट कर देना है, मतलब ये RYB मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया तो आप इसकी जगह B भी कनेक्ट कर सकते हो, या R यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, या B यहाँ से भी। इस तरीके से आप किधर भी कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी टर्मिनल में RYB को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने RYB इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मेन कॉन्टैक्टर में ये वाले जो टर्मिनल में वायर लगा हुआ है उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बचा हमारा A वाला केबल, ठीक है, RYB। अब ये वाला जो वायर है हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर में कनेक्ट होगा, तो ये किस तरीके से कनेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सीरीज लैंप ले लूँगा और इसको मैं बोर्ड से कनेक्ट कर दूँगा, देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर लूँगा और चेक कर लूँगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अब ये वाले जो वायर लगे हैं 3, तो ये रेड वायर में मैं इस तरीके से लगा दूँगा। अब इससे चेक करूँगा, ठीक है, ये 3 वायर से चेक करूँगा। देखिए तो रेड से रेड चेक करूँगा तो इसमें बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है। येलो से चेक करूँगा इसमें बल्ब जल रहा है, ठीक है, और ब्लू से चेक करूँगा इसमें बल्ब नहीं जल रहा। इसमें रेड में लगाया और ये येलो में लगाया तो हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी मोटर में 3 कोइल होती है, तो ये 3 कोइल के 6 टर्मिनल हो गए, ठीक है दोस्तों। तो एक कोइल के हमारे 2 सिरे होते हैं, तो इसमें बल्ब जल रहा है और इसमें बल्ब जल रहा है। तो फर्स्ट कोइल का ए सिरा हो गया ए वाला, और ये येलो वाला जो वायर है ये बी सिरा हो गया, ठीक है। इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारा मोटर डेल्टा में चलेगा तो एक कोइल में हमारा डबल फेस जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट कोइल के ए सिरे में हमारा आर फेस जाना चाहिए, और ये फर्स्ट कोइल का बी सिरा है तो इसमें दूसरा फेस जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये 2 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा, तो इसको मैं, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट है इसमें कनेक्ट कर देता हूं। देखिए तो दोस्तों फर्स्ट कॉइल के ए सिरे में हमारा आर फेस चले गया, और फर्स्ट कॉइल के बी सिरे में हमारा बी फेस चले गया। देखिए ये बी फेस, तीसरा वाला हमारा बी फेस है, तो ये बी फेस चलेगा, ठीक है। अब सीरीज लैंप लेंगे और ये दूसरे वाले पॉइंट में लगाएंगे, ठीक है। अब ये 2 वायर से चेक करेंगे, ये देखिए इससे चेक करेंगे तो हमारा, ये देखिए ये R में नहीं जल रहा है और ये B में जल रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड कोइल का A सिरा हो गया, देखिए ये सेकंड कोइल का A सिरा हो गया और ये सेकंड कोइल का B सिरा हो गया, ठीक है। ये देखिए B सिरा हो गया, ब्लू वायर हमारा B सिरा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड कोइल है उसके A सिरे में हमारा Y फेस जा रहा है, ठीक है। तो इसमें Y फेस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं फर्स्ट में कनेक्ट कर दूंगा तो हमारा R फेस जाएगा इसमें, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हमारी सेकंड कोइल के A सिरे में हमारा Y फेस चले गया और सेकंड कोइल के B सिरे में हमारा R फेस चले गया, देखिए, ठीक है। अब बचा हमारा तीसरा वाला कॉइल, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, देखिए तो ये हमारा तीसरा कॉइल हो गया, ठीक है। ये तीसरी कॉइल का ए सिरा हो गया और तीसरी कॉइल का बी सिरा हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, देखिए
तो दोस्तों हमारा जो स्टार्टर है इसमें कोई टाइमर नहीं है, तो किस तरीके से ये काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, जैसे प्रेस करके रखेंगे तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। जब तक हम प्रेस करके रखेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, ठीक है, मतलब मोटर हमारा स्टार में चलेगा। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देंगे मतलब रिलीज कर देंगे तो तुरंत हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है ये रिलीज हो जाएगा और उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर लग जाएगा। इस तरीके से हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो काम करेगा, ठीक है। अब मैं सप्लाई देते रहता हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा मोटर चल रहा है, अभी हमारा मोटर स्टार में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने पुश बटन को प्रेस करके रखा तो हमारा मोटर स्टार में चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो हमारा मोटर डेल्टा में चलेगा, देखिए 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 दोस्तों, देखिए दोस्तों अब हमारा मोटर डेल्टा में चल रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ कर दूंगा, देखिए और हमारा ऑफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा मोटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो जो स्टार्टर में इनपुट सप्लाई दिया है ये तीन वायर में से किसी भी दो वायर को चेंज कर देना है, मतलब आर की जगह बी को लगा देना है, ठीक है। ये बी को यहाँ पे लगा देंगे और आर को यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरीके से इधर चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।